हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पीएस डिजाइन फॉरएवर। गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्लैट स्केच। यस, फ्लैट स्केच एक ऐसा स्केच है जो हम बिना फिगर के, बिना फैशन फिगर के बना सकते हैं और हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन के रूप में तैयार हो जाता है, जिसको देख करके हम एक अच्छा सा कोई भी ड्रेस, एक्सेसरीज, शूज, एक्सेसरीज, एवरीथिंग जो भी हम बनाना चाहते हैं अपने डिज़ाइंस को, उसको एक फ्लैट के रूप में बना करके और हम उसका एक अच्छा सा प्रारूप तैयार कर सकते हैं एज अ फैब्रिक, एज अ ज्वेलरी मटेरियल। तो फ्लैट स्केच बनाने के लिए हम ये छोटे छोटे पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में बनाएंगे। हम क्रॉप टॉप बनाने वाले हैं, तीन को इस ब्लॉक में ही बनाएंगे और ब्लॉक को प्रॉपर कवर करके अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैट स्केच बनाने के लिए हमें बस जो शोल्डर पॉइंट्स होते हैं उनको लेते हैं एंड नेक लाइन, और उसको अच्छे से बना लेते हैं। फिलहाल मैं बना रही हूँ क्रॉप टॉप, एंड क्रॉप टॉप के साथ फ्रंट ओपन भी हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो, फ्लैट स्केच बनाने के लिए हमें शोल्डर पॉइंट्स लेने होते हैं। स्लीव का पार्ट्स हम लेंगे जैसे जैसे हमें बनाना है, विदाउट फिगर स्केच बनाए हम अपने इलस्ट्रेशन को तैयार करेंगे। तो ये हमने स्लीव बनाया है, ये स्लीवलेस टॉप बना रहे हैं। तो ये पॉइंट्स टू पॉइंट आप ध्यान से देखते जाओ और फिर सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाना। तो ये आर्म होल से शोल्डर पॉइंट्स हम लेंगे और हल्का सा डायगनली शेप में इसको बनाएंगे, बिकॉज चेस्ट हमारा थोड़ा सा चौड़ा होता है एंड वेस्ट हमारा हल्का सा पतला होता है, एंड इसको आपस में हम कर्व शेप में दे देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देन नेक लाइन, तो आप ये देख रहे हो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, एंड हमें गैदर शेप देना है इसमें। नीचे हम फ्रिल बना रहे हैं, तो फ्रिल के लिए हम स्ट्रेट इस तरीके से डायगनली शेप में लेकर के और फिर इसमें गैदर का लुक दे देंगे। आप ध्यान से देखो, इसको इसी तरीके से कर्व शेप में देना एंड इसमें डॉट्स डालेंगे, डॉट्स की पॉइंट्स डालेंगे कि किस तरीके से इसमें स्टिचिंग पॉइंट्स होती है। डॉट्स आप चाहो तो सारा दे दो, अदरवाइज आपके ऊपर है, आप जितना देना चाहते हो उतना दो। एंड अब हम इसमें गैदर के लिए इलस्ट्रेट करते हैं, तो गैदर पॉइंट्स हम इस तरीके से देंगे, हल्का सा कर्व शेप में देंगे, ना कि स्ट्रेट लेकर के जाएंगे एंड उसको डार्क एंड लाइट शेप में देते जाएंगे। कभी भी शेड्स देना हो तो हमेशा पेंसिल को डायगनली शेप में ले करके तभी हम शेड्स देंगे, स्ट्रेट उसको रख करके नहीं शेड्स देंगे, ठीक है। Thank you.
जब भी हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो उसमें जो हमारे स्टिचिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ स्टिचिंग शो करता है, उस जगह पे हमें उसको शो करना होता है। हमने ये क्रॉप टॉप बना लिया है, अब हम फ्रंट ओपन टॉप बनाने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रंट ओपन, क्रॉप टॉप ही रहेगा बट वो फ्रंट ओपन रहेगा, ठीक है। इसको हम कलरफुल बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से हम बनाएंगे इसको, एंड बस फ्रंट ओपन रहेगा तो उसकी इलस्ट्रेशन में थोड़ी सी डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। एंड उसको बनाने के साथ इसमें भी हम पॉकेट्स का यूज़ करेंगे, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे बट इसमें हम कलर का फील करेंगे ब्रश पेन का यूज़। पाइपिंग लगाने के लिए हम दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको एकदम पतला शेप में हम देंगे, उसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। तो जब भी आप पाइपिंग लगाओ तो उसको शेप में लगाना। एंड कंप्लीट हो चुका हमारा फ्रंट ओपन ड्रेस, एंड इसी तरीके से आप भी बनाओ। उसके अलावा हम दो और ड्रेस बना रहे हैं, तो फटाफट आज इस ट्यूटोरियल को आप फॉलो कीजिए। इसमें जब भी हम ये देख रहे हो आपकी, मैंने इसमें पिंक कलर यूज़ मैं करने जा रही हूँ, तो पिंक कलर जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके पहले जो पेंसिल का शेप होता है उसको हम इरेज कर देते हैं, एंड देन हम कोई भी लाइट शेड, ज़रूरी नहीं सिर्फ पिंक कलर, कोई भी लाइट शेप शेड का कलर जो होता है हम उसको यूज़ करने से पहले जो भी इलस्ट्रेशन पेंसिल से बनाए होते हैं उसको हम इरेज कर देते हैं, एंड देन हम उस पर कलर फिल करेंगे। तो यस गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इसी तरीके से ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, एंड वीडियो को सीन कीजिए, देखिए, सीखिए, 100 times सारे डिज़ाइंस को बनाइए। जितना भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाते जाइए, तभी आपका जो हैंड है वो फ्री होगा और इलस्ट्रेटर आपका काफ़ी अच्छे से बनेगा। Thank you.
तो गाइस ये हमारा ट्यूटोरियल हो गया कंप्लीट। आप इसको देख सकते हो इसमें किस तरीके से कलर फिल किया गया है। सेम ऐसे ही प्रोसेस जर जो है आप इसको ट्राई कीजिए, अपने डिज़ाइंस को बनाइए, इलस्ट्रेट कीजिए और मुझे इसके स्मॉल क्लिप शेयर कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।